जितने दिनों तक आपने धैर्य रखा है उस दिन और धैर्य रख लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। सियासत भी क्या चीज है, यहां आप गड़े मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं और जो मसला कोर्ट में हो उस पर बयानबाजी कर अपनी सियासी धुरी की राजनीति को और तेज कर सकते हैं। अब देखिए, अयोध्या के विवादित जन्मभूमि का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, मसले पर सुनवाई भी जारी है, लेकिन पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य राम विलास वेदांती ने चुनौती दी है कि फैसला आए चाहे ना आए, मंदिर का निर्माण 2019 से पहले शुरू होकर रहेगा। मतलब ये है कि अदालत से ऊपर आप खुद के फैसले को रखते हैं, तभी तो कोर्ट के फैसले का आपको इंतजार तक नहीं है। उधर मामले ने तूल पकड़ा तब अयोध्या में मौजूद रहे सीएम योगी ने धैर्य रखने की सलाह दी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत ही राम मंदिर के मसले को फिर से हवा देने की कोशिश हो रही है, ताकि आगामी चुनाव में फिर से इस मुद्दे को जिंदा किया जा सके, या फिर बीजेपी में मंदिर को लेकर दो आवाजें अब आने लगी हैं। एक पक्ष धैर्य की बात कर रहा है तो दूसरा मंदिर मुद्दे पर पार्टी की राय साफ करना चाहता है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखें। कितने दिनों तक आपने धैर्य रखा है उस दिन और धैर्य रख लीजिए। जब 6 दिसंबर 1992 को हमने तोड़वाया था, तब भी किसी कोर्ट के आदेश से उस ढांचा को नहीं तोड़वाया था। जैसे बिना कोर्ट के आदेश से ये सब कुछ हुआ है, वैसे 2019 के चुनाव से पहले भी अयोध्या में मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाएं हैं और बहुसंख्यक समाज की इन भावनाओं के साथ हम सब की भी भावनाएं हैं कि इस समाधान का एक मार्ग निकलना ही चाहिए, और निकालने के लिए इतने दिनों तक आपने धैर्य रखा है, कुछ दिन और धैर्य रख लीजिए, समाधान का रास्ता अवश्य निकलेगा। लगता है चुनावी बयान की हवा चलने लगी है, तभी तो फिर से राम मंदिर की गूंज सियासी जुबानों से सुनाई दे रही है। विवादित जन्मभूमि का मसला कोर्ट में है और कोर्ट से बाहर चुनौती ये दी जा रही है कि फैसला आए या ना आए, 2019 से पहले मंदिर का निर्माण शुरू होकर रहेगा। भव्य रामलला के मंदिर के लिए भाजपा ने देश की जनता को आश्वासन दिया था, वो समय आ गया है। इसलिए हमको विश्वास है 2019 के चुनाव से पहले अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। एक तरफ से चुनौती दी जाती है और दूसरी तरफ सूबे के मुखिया से उम्मीद भी लगाई जाती है, और इस उम्मीद के जवाब में सीएम उन्हें धैर्य रखने की सलाह देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस अखल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। स्वाभाविक रूप से अयोध्या में जब भगवान राम, प्रभु राम की कृपा होगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन करके रहेगा, उसमें कोई संदेह हो ही नहीं चाहता, किसी को होना ही नहीं चाहिए। सवाल ये उठता है कि 2019 में ऐसा क्या होने जा रहा है कि पूर्व सांसद 2019 से पहले मंदिर निर्माण शुरू करने का दावा कर रहे हैं। क्या उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत पर भरोसा नहीं है, या फिर 2019 में तो चुनाव है और इसलिए माहौल राम मंदिर का बने इसकी तैयारी हो रही है। ये लोग न्यायालय को प्रभावित कर ही रहे हैं, और जब चुनाव आता है तो वेदांती जी महाराज भी, साधु संत भी, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, और पूरी भारतीय जनता पार्टी सुब्रत स्वामी का आया था भैया कि हमारे पक्ष में बैठ दो, ये लोग तो न्यायालय को भी प्रभावित कर रहे हैं, अपने को न्यायालय से भी ऊपर मानते हैं, संविधान से भी अपने को ऊपर मानते हैं। वैसे जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा जरूरी है, और जरूरी इसलिए क्योंकि विकास और बेरोजगारी के साथ साथ चुनाव में वो मुद्दे ना उठाए जाएं जो उनकी राह में मुश्किलें खड़ी करें। आस्था के आधार पर मंदिर बने तो इशू उतना आसान नहीं है, उतना सिंपल नहीं है इस पर कुछ भी कह देना, क्योंकि मंदिर बनना ये किसी के चाहने पर नहीं निर्भर है, बल्कि कानूनी निर्णयों पर निर्भर होगा, और इसे बनाने के लिए मांग करना और ऐसा माहौल बनाना कि एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार बनेगी तो मंदिर बनने के रास्ते में रोड़े कम होंगे, ये एक राजनीतिक रणनीति ज़रूर हो सकती है। तो क्या फिर से विकास की राह पर मंदिर का मुद्दा हावी होगा, और ऐसे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि माहौल बनाया जा सके, क्योंकि वेदांती जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भरोसा नहीं है, और मुश्किल ये है कि सरकार में बैठे सेवक सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ बोल नहीं सकते। तो क्या बीच का रास्ता निकाला गया है, इसलिए एक धड़े से दो सुर उठने लगे हैं।
अनामिका सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आईपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, जगदेव सिंह यादव जो कि पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोर वार्ष्णेय साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जो कि सदस्य हैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य एडवोकेट मुश्ताक अहमद सिद्दीकी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। आईपी सिंह साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, योगी जी कह रहे हैं धैर्य रखिए, वेदांती जी कह रहे हैं कि अब सब्र नहीं है, इन दो बातों से भगवान राम कितना कंफ्यूज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राम भक्त जरूर कंफ्यूज हैं। एक ही मंच से दो तरह की बातें निकल रही हैं सर, एक तरफ धैर्य रखने की बात कही जा रही है तो वेदांती जी ये कह रहे हैं कि 2019 से पहले पहले राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, ये दो बातें क्यों, दो सुर क्यों और इसके क्या मायने हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य अति शीघ्र प्रारंभ हो उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का दिन, आज के दिन ही कांग्रेस ने देश के ऊपर आपातकाल थोपा था, लोकतंत्र की हत्या की थी, और आज यही कांग्रेस और यही सेकुलर जो गिरोह है वो लोकतंत्र की दुहाई देता है, लेकिन समूचा देश चाहता है कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ हो, और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी ने बहुत साफ तौर से कहा कि आपने बहुत लंबे समय से, 70 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, आपने इंतजार किया, थोड़ा और इंतजार करिए, क्योंकि ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है। अगर देश की सर्वोच्च अदालत उस भूमि को लेकर थोड़ा सा जो विवाद है उस पर जो कुछ भी फैसला देती है, निश्चित रूप से वो स्वीकार होगा, लेकिन उसी के साथ अगर अदालत से ये फैसला राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पक्ष में नहीं आता है तो देश की जो सर्वोच्च पंचायत है, संसद है, उस संसद के अंदर कानून पास करके एक भगवान राम के मंदिर का निर्माण का कार्य निश्चित तौर से 2019 से पहले प्रारंभ होगा, लेकिन कांग्रेस के कपिल सिब्बल से लेकर जो समूचा आईपी सिंह साहब सेकुलर गिरोह है, 2019 से पहले फैसला ही नहीं आया तब, अगर 2019 से पहले फैसला नहीं आया तब इसके बाद ये मामला इस पर चर्चा हो। जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर रामलला के पक्ष में फैसला नहीं आता है तब आप संसद में अध्यादेश लाएंगे, उसके बाद मंदिर का निर्माण करवाएंगे, 2019 से ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सवाल ये कि अगर 2019 तक फैसला आया ही नहीं तब क्या करेंगे आप? उसके बाद भी देश संसद है, वो सर्वोच्च है, अदालत से ऊपर है, और संसद तय करेगी, जैसे सोमनाथ को देश की संसद और भारत सरकार ने तय किया था और सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, आज एक भव्य मंदिर सोमनाथ में है, और यह फैसला विपक्ष जो टालना चाहता है, आपको यही करना है, हम सब बधाई देना चाहते हैं करना है योगी जी को, समूचा देश बधाई देता है कि जिस अयोध्या में नहीं, आईपी सिंह साहब पहले इस बात को साफ करिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि फैसला रामलला के पक्ष में नहीं आया तब आप संसद में अध्यादेश लाएंगे, तब मेरा आपसे सवाल ये है कि फिर आप फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और ये नहीं, निश्चित तौर से जिस तरह से बाधाएं कांग्रेस और सेकुलर गिरोह उत्पन्न कर रहा है, वो चाहता है कि अयोध्या से संबंधित जो मामले जो लंबित है लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में, आपकी बातों में विरोधाभास है आईपी सिंह साहब, आप पहले ये स्पष्ट करिए कि आपको कोर्ट के फैसले का इंतजार है या आपको अपने मन की करनी है कि अगर फैसला कुछ भी आए हम संसद में विधेयक लाएंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, तो फिर यही करना है तो फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं, सवाल ये खड़ा हो रहा है। अब मेरा सवाल दरअसल आपसे है सर, महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, समूचा देश 115 करोड़ देश की जनता और दुनिया चाहती है कि मंदिर के निर्माण का कार्य, नवल किशोर दास जी
वेदांती जी ये कह रहे हैं कि देश में राम राज्य आ गया है, राज्य में राम राज्य आ गया है, योगी जी की सरकार है, मंदिर वहां पर बनकर रहेगा, 2019 से पहले निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, और योगी जी ये कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, तो फिर आप कैसे राम राज्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं योगी जी से? देखिए, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने पर या नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर स्वाभाविक है राम भक्तों के मन में एक उत्साह है और सबकी लालसा है कि राम मंदिर बने। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये देश में एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात्रि को 2 बजे कोर्ट खुल सकता है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाने के लिए रात्रि में छुट्टियों के समय कोर्ट खुल सकता है, क्या कारण है? करोड़ों लोगों की आस्था का विषय राम मंदिर के लिए कोर्ट में सुनवाई रोजाना क्यों नहीं हो रही? कुछ लोग क्यों कहते हैं 19 के बाद सुनवाई होना चाहिए? क्या हमें अपनी आस्था को व्यक्त करने का अधिकार नहीं? हमारी मांग पहले भी थी, आज भी है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, और वर्तमान में चाहे वो प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, दोनों से हम कहना चाहते हैं, आज संतों ने वही कहा है कि हम आग्रहपूर्वक कहना चाहते हैं कि हमारी आस्था का विषय है, इसमें शीघ्रतम अच्छा है कि देश के संविधान के अनुसार ये देश का माननीय न्यायालय उस भूमि का निर्णय कर दे, क्योंकि कोर्ट को भी देख देना चाहिए ना कि इसको कौन लटका रहा है। कानूनी दृष्टि से कोर्ट रोजाना सुनवाई करे, और हम चाहते हैं कि कानूनी विधि से निर्णय हो जाए। मान लीजिए निर्णय नहीं होता है तो जैसा अभी कहा गया कि दोनों सदन बुला करके कानून बनाया जाए। आखिर हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों की जा रही है? राम हमारी आस्था का विषय, राजनीति का विषय नहीं है। ये खिलवाड़ कौन कर रहा है भाई? राज्य में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की तरफ से आप सभी लोगों को यही कहा जाता था कि जब राज्य में और केंद्र में हमारी सरकारें हो जाएंगी, हम संख्या बल के हिसाब से मजबूत होंगे, तो हम अध्यादेश लाएंगे। लाइए अध्यादेश, बीजेपी तो आज तक अध्यादेश नहीं लाई। फिर आप तो कह रहा क्यों बैठे हैं? अभी उनके प्रवक्ता ने भी कहा है कि राज्यसभा में पास कराने की हम चाहते हैं। सुनिए, अरे हम चाहते हैं कि कोर्ट निर्णय करे, नहीं करता है, मान लीजिए लंबित होता है, सुनवाई यदि नहीं होती है तो स्वाभाविक है हमें दोनों सदनों को बुला करके कानून बनाएंगे, पर हम चाहते हैं कि पूरे सौहार्द के साथ, प्रसन्नता के साथ, क्योंकि देश का कोई अल्पसंख्यक हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, वो कोई सब विरोध नहीं कर रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं सब मिलकर के भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो, और विपक्ष भी यदि चाहता है कि मुद्दा न मिले, राजनीतिक उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आपने इतने वक्त तक धैर्य रखा, आगे भी धैर्य बनाए रखिए। किशोर वासुने जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिएगा, लेकिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो लोग जो कभी राम का नाम नहीं लिया करते थे, आज राम का नाम जप रहे हैं, वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। योगी जी पर भी विश्वास है, मोदी जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो 2000 और हम चाहते हैं कि इस विश्वास 2019 का चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, इन लोगों को चुनाव के वक्त ही राम मंदिर की बात आती है याद, और आज इसी संदर्भ में इन्होंने बहुत ही चालाकी से ये दिन देखा। अभी इन्होंने चर्चा की बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने कि इमरजेंसी जिस दिन लागू हुई थी, आज के दिन मैं इस बात को चर्चा में इसलिए लाऊंगा कि पूरे देश में इसकी चर्चा भाजपा के लोग योजनाबद्ध तरीके से करें। इस देश के अंदर जब भी चुनाव आते हैं और जब जब भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर पड़ती है तो राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को उठाया जाता है। आज क्या आवश्यकता है कि राम मंदिर के निर्माण के आप बात उठाते हैं, जब कोर्ट में कोई मामला लंबित है, नंबर एक, और उसके बाद आप ये दावा करते हैं कि दिसंबर तक फैसला आ जाएगा और एक पक्ष के, एक धर्म के पक्ष में आएगा, तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है ना। या तो उसका इंतजार करिए, नहीं नहीं, आप या आपके पास तो सरकार है, राष्ट्रपति है, आपके पास प्रधानमंत्री है, की हत्या की दावा भी कर रहे हैं कि हमारे निर्माण पूरी आस्था है, मंदिर निर्माण मंदिर निर्माण पूरी आस्था है। जी ने आज कहा है ना कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। किशोर जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आईपीसी ये कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है, अरे भाई आप लोग सवाल नहीं सुन रहे, संगत रूप दिया जाना चाहिए। किशोर जी, यहाँ पर आईपी सिंह साहब ये कह रहे हैं कि अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तब हम संसद में अध्यादेश लाएंगे, वहां से कानून पारित कराएंगे और राम मंदिर का निर्माण हर हाल में होगा, अध्यादेश आएगा तब आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे। कमजोर हो रही है, ये जान रही है कि महागठबंधन के माध्यम से हम साफ हो जाएंगे, तो मंदिर के निर्माण को भी जो है कार्ड बना के खेलो,
इनका मुख्य मुद्दा मंदिर निर्माण में कतई नहीं है, ना इनकी कोई आस्था है। धर्म के नाम पर कैसे हम जो सत्ता में आए, इनका मुख्य मकसद यही है। और आने वाले समय भी कहने आए हैं धैर्य नहीं है किसी के भीतर, धैर्य का संदेश दिया जा रहा है सीएम की तरफ से, लेकिन धैर्य नहीं है। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी आप सुन पा रहे हो तो मेरा सवाल आपसे है, 2019 में ऐसा क्या होने जा रहा है कि वेदांति जी को लगता है कि राम मंदिर का निर्माण वहां पर शुरू हो जाएगा? क्या आप लोग मान जाएंगे, सहमत हो जाएंगे, या कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आ जाएगा? कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आ गई तो बहुत अलग बात है, हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जहाँ तक अध्यादेश की बात है, दो बार अध्यादेश आ चुके हैं और कोर्ट उनको रद्द कर चुकी है। अब अगर कोई भारतीय नागरिक ये कहता है कि यहाँ संसद जो है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, तो उसकी अपने कहने की बात है। इसी मामले में 7 जनवरी 1993 को जब नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक अध्यादेश आया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश को रद्द कर दिया है। अब हम यह कहें कि हम अध्यादेश ले आएंगे और अध्यादेश के लाने के मामले में पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, तो हमारी अपनी समझ की बात है। जहाँ तक आस्था की बात है, आस्था किसको कहते हैं? जो व्यक्ति शब्द आस्था का इस्तेमाल कर रहा है उसे जानना चाहिए कि किस आस्था की हम बात कर रहे हैं और वो आस्था कभी कही जाएगी। आस्था का सिद्धांत यह है कि अगर आज एक आस्था 2018 में पैदा हो जाए कि सन 1200 में ऐसा था, तो वो आस्था सन 1200 की नहीं मानी जाएगी, 2018 की मानी जाएगी। इसलिए ऐसी कोई आस्था ना कभी थी ना आज है। सारे लोग लिख के दे चुके हैं कि 22 दिसंबर 1949 तक यहाँ 5 वक्त की नमाज होती थी, पूजा कभी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार जारी चुकी है, सैकड़ों। लेकिन शिया वक्फ बोर्ड आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है ना मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब? उसका जो जांच हुई थी उसकी ये रिपोर्ट आ चुकी है। हमारी आस्था कहने के लिए ना छोड़िए, जो भी उस देश का 85% होगी अपना हक छोड़िए, हमें संवैधानिक अधिकार है अपनी आस्था को व्यक्त करने का। ठीक है जगदेव सिंह यादव जी, और वहां जहां पर खुदाई हुई तो पहले वहां मंदिर ही था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जगदेव सिंह यादव जी की चर्चा में आता है अयोध्या से, जगदेव सिंह यादव जी से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई आज कम से कम वो राम की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार से हमारी विजय है, उनको सद्बुद्धि आई है। दूसरे को तो बोलने दे, यही बोलते रहेंगे क्या मतलब? ठीक है आप सवाल सुन पाए, आप भी राम राम जपने लगे हैं ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और ये अच्छी बात है वो कह रहे हैं। देखिए सवाल ये है कि नहीं, देखिए देखिए सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव एजेंडे में राम मंदिर की बात ले आती है और हर चुनाव में धारा 370 की बात ले आती है जनसंख्या लेकर के, और इनको वास्तव में मंदिर नहीं बनाना है, इनको जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करना है, एक राजनीति रोटियां सेकने काम करा हुआ भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया। आपने देखा जब इन्होंने वादा किया था कि मैं केंद्र में हमारी जब सरकार बहुमत होगी हम कानून बना के राम मंदिर बनाएंगे, आज केंद्र में इनकी सरकार 4 साल होने जा रहे हैं, कहां कह रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के जहां तक मामला है, सुप्रीम कोर्ट में तो एक बार कह दिया था बाहर समझौता कर लीजिए, वो बाहर तय नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी आईबी सिंह कह रहे हैं कि साहब हम संसद में कानून बना कर सकते हैं, तो संसद में कानून बना के बहुमत है क्यों नहीं कर सकते हैं? वहां तो सौभाग्य से प्रदेश का मुख्यमंत्री भी सन्यासी है, राम भक्त हैं, आप क्यों नहीं करते? और जो सबसे बड़े राम भक्त थे तो गड़िया जी राष्ट्रीय सुंदर परिषद के राष्ट्रीय कानून बनाइए ना, आप अध्यादेश जब कांग्रेस भी आपसे बात कर रही है, समाजवादी पार्टी भी आपसे बात कर रही है, दूसरे भी आपसे बात कर रहे हैं कि आप एक अध्यादेश लाइए तो सही, क्यों नहीं ला रहे? बहुत बार आप और आज हर जगह हम देख रहे हैं सारे धार्मिक मुद्दे उठा कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे नहीं,
ठीक है, सबकी आवाज थोड़ा कम करिए। मेरा सवाल आईपी सिंह साहब से। आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, सारे राजनीतिक दल ये कह रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, सब ये कह रहे हैं कि भाई आप पहले अध्यादेश तो लाइए कानून बनाने के लिए, तो फिर आप लाइए, आप क्यों कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपने तय कर लिया है कि वहां पर मंदिर का निर्माण ही होगा, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जो राज्यसभा थी, देश में पहली बार अखाड़ा बनाने का काम कांग्रेस और ये जो समूचा विपक्ष है उसने किया है, लगातार लगातार राज्यसभा को ठप करने का। ये तो बात की बात है, ये बात की बात है। आप अध्यादेश लाएंगे तो वहां पर हंगामा होगा, कोई सपोर्ट करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, वो तो राम भक्त अपने आप देख लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अध्यादेश लाइए तो सही, आप तो वही नहीं ला रहे ना। स्थिति में नहीं थे, हजारों माताएं बदली हैं, पूरे देश को आग राज की हताशा बताती है, सबकी आवाज थोड़ा कम करिए, बताती है कि पूरी तरीके से निराश और हताश हो चुके हैं देश की जनता, इनसे पिछले चार साल का जब काम के ये, अच्छा आईपी सिंह बारे में, अच्छा आईपी सिंह साहब, सबको छोड़िए, आप एक बात बताइए कि धैर्य का क्या मतलब है? धैर्य को किस तरीके से समझे? आज पूरी तरीके से चार साल में जब पूरी तरीके से नहीं, आईपी सिंह साहब मैं कह रहा हूँ, सारी बातों को छोड़िए, आप ये बताइए कि आज जो धैर्य रखने की बात कही गई है, उस धैर्य का क्या मतलब है? क्या कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार किया जाए? बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, सत्ता से बाहर जाएंगे? निश्चित तौर से देखा जाए, जनवरी फरवरी से इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई प्रभावित करने का काम कपिल सिब्बल और समूचा विपक्ष करता रहा, यही कारण है कि ये इस पर नहीं, तो फिर हम सब निवेदन नहीं, तो फिर उन लोगों को अपील करना है, तो फिर उन लोगों का आप क्या करेंगे जो कि आग में घी डालने का काम करते हैं? फिर आप उन लोगों का क्या करेंगे जो आग में घी डालने का काम करते हैं? वेदांत जी ये कह रहे हैं कि हर हाल में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, आप ये कह रहे धैर्य रखिए, तो फिर क्या वेदांत जी की गोलती बंद की जाएगी? उनको कहा जाएगा कि आप शांत रहिए, फैसला आने तक लोग जो पसंद करेंगे, धर्म के नाम पर आपको सत्ता नहीं मिलेगी, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, महाभियोग चला, ये मेरा दावा है आप 2019 में आप पूरी तरीके से साफ होंगे। काम करते हैं, अब ये नहीं चलने वाला है, मंदिर बनाइए, सारा जनता आपके साथ है, सारा देश आपके साथ है, जनता गुमराह मत करिए, धोखा मत करिए। वक्त की थोड़ी कमी है, एक सवाल में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी से लूंगा। किशोर दास जी, क्या ये सारी कवायद 2019 को लेकर हो रही है क्या, कि डेवलपमेंट का मुद्दा है उस पर सवाल उठ जाएगा, नौकरी देने की बात आएगी उस पर सवाल उठ जाएगा, तो बेहतर है कि एक बीच का रास्ता निकाला जाए, सरकार चुप्पी साध कर रखे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें गड़ाए रखे, और दूसरी तरफ पीछे से कुछ लोग सामने आए जो कि बयान दें कि मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा? क्या ये सारी कवायद सिर्फ उसलिए हो रही है, या वाकई में रामलला के लिए भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है 19 से? राजनीतिक लोगों के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, संतों के लिए नहीं, संतों का या समाज सामान्य व्यक्ति का आस्था का विषय है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, सच में सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि मान लीजिए एक मिनट के लिए बीजेपी को राजनीतिक लाभ ना मिले, तो मैं तो चाहता हूँ सभी राजनीतिक दल कहने के सुर में राम मंदिर का निर्माण हो, यदि वास्तव में चाहते हैं तो इनको लाभ नहीं मिलेगा, यदि ऐसा राजनीतिक कोई मुद्दा है तो। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पूरे सौहार्द के साथ, प्रेम के साथ राम मंदिर का निर्माण हो। आईपी सिंह साहब, जब आप लोगों ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसी साल मेरे गांव में भी एक राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और संयोग से वो भी अभी तक अधर में लटका हुआ था। हर बार जब ग्राम सभा का चुनाव होता था, ग्राम पंचायत का, तो जो भी प्रधानी का चुनाव लड़ता था वो आश्वासन देता था कि मैं जीत कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन करवाता नहीं था। बाद में गाँव वालों ने मिलकर खुद ही मंदिर का निर्माण करवा लिया और समाधान निकल गया, अब सब जाकर वहाँ पर पूजा कर रहे हैं। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर का निर्माण हो जाए वहाँ पर, सब बाहर से आए और निर्माण कर लें और आपके हाथ से मुद्दा निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर राम मंदिर राम भरोसे ही है।